गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। तो नाउ दिस इज अवर सेकंड लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, यानी हमारी फिजिक्स का, ये जो 11th क्लास की फिजिक्स है उसका मैथमेटिकल टूल्स जो हमारा यूनिट है, यूनिट जीरो, उसका जो हम चल रहे थे अभी फर्स्ट लेक्चर में, हमने क्लियर किया था कॉमन आइडेंटिटीज, जो अब हम क्लियर करेंगे हमारे सेकेंड लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखियो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अलजेब्रिक का, ये सेकंड लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अच्छे से पढ़ रखी है, लेकिन फिजिक्स में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब यूज होंगी तो हमें कुछ रिजल्ट को पाने के लिए, न्यूमेरिकल्स करेंगे तब रिजल्ट को पाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होगा। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो। तो देखिए, तो हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी। तो हमारा टॉपिक, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो टॉपिक है वो हम यहां पे क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्या होती है, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। तुम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी यही तो होती है। अगर हम जनरल फॉर्म में इक्वेशन को लिखे तो हम कहें जनरल इक्वेशन, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन लिखे तो हम लिखेंगे a a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए, जो ये इक्वेशन आप देख रहे हो, यानी ये जो इक्वेशन मैंने लिखी, इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, जिसमें, अरे बच्चों आप देखिए, इसमें जो a है और ये जो b है और ये जो बेटा c है, ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म्स है। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट टर्म। ये 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। और ये जो आपके पास x है, यानी जो आपको दिख रहा है x जो है, x जो दिख रहे हैं आपको, ये एक्स स्क्वायर यानी x जो भी है, ये आपके पास वेरिएबल है। क्या है आपके पास बेटा, वेरिएबल है x जो है, वेरिएबल है। a b c जो है आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म्स है। हम a b c इनको कोफिशियंट भी कहते हैं ना, ये सारे के सारे आपके पास जो है, ये ए बी सी, इनको कोफिशियंट भी कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए हुआ ना, इस तरह से बोल सकते हैं। तो जनरली हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में हम जो है ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये क्यों हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि हम कह सकते हैं ये सेकेंड डिग्री है, सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री, एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, यानी ये सेकेंड डिग्री है। देखिए, x के ऊपर जो हाईएस्ट डिग्री जो है 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह दिया हमने ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया। सेकेंड डिग्री, इस इक्वेशन में सेकेंड डिग्री 2 है, यानी मैक्सिमम जो है, जो पावर है यहाँ पे 2 है x की, यानी इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पीछे पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में जो इसके हमें सॉल्यूशन से मतलब होता है ना, इसके सॉल्यूशन जो है वो है इंपॉर्टेंट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे निकाले, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो अगर हमें मतलब है सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं आपको मैं बता दूं। तो देखो, आप यहाँ पे सॉल्यूशन भी कह सकते हो, आप इस पे रूट्स भी कह सकते हो ना, रूट्स भी कह सकते हो, रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए कैसे निकाला जाएगा इसका, तो बड़ा ही आसान है। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स इज इक्वल टू, यहां लगाते हैं माइनस बी और यहां लगाते हैं प्लस बी और यहां लिखते हैं बी स्क्वायर। देखिए माइनस, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने यहां किया और अपॉन लिखा 2 into a। मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, यहां पे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो लिखा हो, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका सॉल्यूशन या रूट्स निकालने का तरीका है, एक फॉर्मूला लिखना है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, यहां पे लिखना है 2a। तो ये हमारी एक फॉर्मूला तैयार हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का या सॉल्यूशन निकालने का। अब हमारे पास एक इक्वेशन एग्जांपल के तौर पे हम ले ले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां यूज होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसका एक एग्जांपल है
कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के रूट निकालने, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट आते हैं, दो रूट आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कितने रूट आते हैं, दो रूट आते हैं। तो देखिए प्लस माइनस के दो रूट आते हैं, तो हम यहां क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे ए हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए क्या है, यहां पे देखें तो यहां ए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, यहां पे यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, तो कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो यहां हमारे पास बेटा 1 आना चाहिए, और जो बी है आपके पास बेटा 5 आना चाहिए, माइनस 5 आना चाहिए, क्योंकि एक्स के साथ बी होता है, एक्स के साथ बी होता है तो माइनस बी हो गया, और यहां सी की बात करें तो 6 आना चाहिए, सी 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन के रूट निकालने, सॉल्यूशन निकालने, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, देखिए यहाँ बी यहाँ लगाएंगे माइनस, और फाइव जो है यहाँ पुट करेंगे तो एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये रहा, तो माइनस फाइव हमारे पास आ गया। यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर यानी माइनस फाइव का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस फोर, और ए बेटा यहाँ पे है 1, और यहाँ पे सी जो है वो 6 है, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आएगा ए, ए होगा आपका 1, राइट। तो हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, देखिए ये हो गया आपके पास 5 प्लस 5 हो गया, यहां लगाया प्लस माइनस मेरे प्यारे बच्चों, यहां हो गया 25, ये हो गया 25, ठीक है, माइनस ये हो गया माइनस 24, माइनस 24 अपॉन हो गया नीचे 2, तो एक्स इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया 5। अब देखिए यहां पे हमारा सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 25 माइनस 24 रूट वन, रूट वन वन होता है, तो प्लस माइनस 1 बाई 2 आ गया, ठीक है, प्लस माइनस है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, एक तो x की वैल्यू ये आ गई 5 प्लस 1 बाई 2, एक x की वैल्यू आ गई 5 माइनस 1 बाई 2, प्लस माइनस इसलिए एक बार 5 प्लस 1 करना है, एक बार 5 माइनस 1 करना है, तो ऐसे रूट आ जाएंगे, तो आपके पास x की जो वैल्यू आ गई वो 4 बाई 2 आ गई, सॉरी यहां पर आ गई 6 बाई 2 आ गई, और एक आ गई आपके पास 4 बाई 2, तो कैंसिल करेंगे तो एक्स के दो सॉल्यूशन आ जाते हैं, एक 3 आ गया और एक बेटा यहाँ पे 2 आ गया। तो आप यहां देख पा रहे हो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दो सॉल्यूशन आ गए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दो रूट आते हैं, मतलब दो एक तरह से सॉल्यूशन आते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए 3 और 2। तो इसी तरह की ये जो इक्वेशन है हमारी, हम फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हमारे पास आएगी, तब हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, मैंने इसी इस लेक्चर में इसलिए आपको पढ़ाया ताकि आप जब न्यूमेरिकल करो तो ये इक्वेशन लगाने की कोशिश करो, इसको फटाफट से नोट करिएगा।